दसवीं चल दी। नजदीक आओ जान जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आ। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज एंड चैनल में। टेंस विथ टाइम, टेंस के साथ साथ टाइम चल रहा है आपके बैच में, आपके वीडियो में, और एक से लेकर नौ वीडियो हो गए हैं। आज हम लोग दसवां वीडियो पर काम कर रहे हैं। टेंस विथ टाइम का पार्ट 10 पर हम लोग काम कर रहे हैं, और प्रेजेंट इन डेफिनिट का सेंस हो गया है, रिकॉग्नाइज हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया है, उसका एडवांस रूल्स हो गए हैं। आज हम लोग प्रेजेंट इन डेफिनिट का टाइम शुरू करेंगे। तो लगा हुआ है टाइम, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इन डेफिनिट का टाइम, इसको हम लोग यूजेज ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनिट भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट का यूज हम लोग देखेंगे, टाइम के साथ हम लोग काम करेंगे। पहला जो हम लोग का रूल कहता है, पहला जो हम लोग का प्रेजेंट इन डेफिनिट का जो यूज है वह है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। इसी को हम लोग चिरंतन सत्य भी कहते हैं। सार्वभौमिक सत्य के लिए जो दुनिया के लिए क्या हो, सत्य है। सोना पीला होता है, दुनिया के लिए पीला है। पानी उपयोगी होता है, ये दुनिया जानती है। कोयला काला होता है, वो दुनिया जानती है। सार्वभौमिक सत्य होना चाहिए, है ना, चिरंतन सत्य होना चाहिए, उसको अंग्रेजी में हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को कहां बनाएंगे, तो बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का क्या तात्पर्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का तात्पर्य होता है कि V1 लगाना है और V5 लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो V1 लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो V5 लगता है। इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं, कहते हैं कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 लगा देना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 लगा देना है और ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में V1 लगता है और सिंगुलर में V5 लगता है, मतलब V5 को सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भाव और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भाव। इन तमाम चीजों को आपको सिखा दिया गया है, आप देखेंगे उसको। अब आइए, तो आप जान गए कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ हम लोग का है, सार्वभौमिक सत्य को हम लोग कहां बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आइए, कहता है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप बताइए कि यहां पर सूर्य कै गो है, तो एक है, तो डेफिनेटली यहां पर जो लगेगा वह क्या लगेगा, V5 लगेगा। आप देख सकते हैं सिंगुलर में क्या लगाना है, तो V5 लगाना है, तो बिल्कुल V5 लगा रहेगा। ऑप्शन आपको देगा राइज, राइजेज और रोज। ऑप्शन देगा राइज, राइजेज, V1 और V5। देख लीजिए सूर्य एक है तो हम लोग V5 लगाएंगे। इसका हिंदी क्या होगा, कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यदि आपको हिंदी लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। अच्छा, यहां पर सूर्य क्या है, एक है, तो डेफिनेटली अगर एक है तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो सेट, ऑप्शन देगा सेट और सेट्स, तो आप लोग सेट्स लगा लेंगे। कहता है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। हिंदी आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। कह रहा है कि द सन इज अ स्टार, कह रहा है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। आप देखिए सूर्य क्या है, वह एक है, तो यहां क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो V5 जिसमें एस लगा होगा वो V5 होगा। तो इसका हिंदी क्या होगा, सूर्य एक तारा है। आगे कह रहा है कि द मून ऑर्बिट्स, आप ध्यान देखिए मून कै गो है, चंद्रमा कै गो है, एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर भाव लगाएंगे हम लोग, जिसमें एस लगा रहेगा वो लगाएंगे। ऑप्शन देगा ऑर्बिट और ऑर्बिट्स, तो आप लोग ऑर्बिट्स को चुन लेंगे। कह रहा है कि द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, इसका हिंदी क्या होगा, कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। हिंदी यदि आपको लिखने की इच्छा हो तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। द अर्थ मूव्स, यहाँ पृथ्वी कै गो है, एक गो है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, V5 होगा। तो यहां पर V5 ले लीजिए, V5 ले लेना है। तो ऑप्शन देगा आपको मूव और मूव्स, तो आप लोग मूव्स ले लेंगे। कह रहा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसका हिंदी क्या होगा, कि आप पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।
तो आपने क्या देखा, क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली क्या लगेगा, वी फाइव लगेगा, तो वी फाइव लग गया है। अब हम लोग सेकेंड रूल को देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फर्स्ट रूल था टाइम के लिए, आपने देखा, ध्यान रखना होगा, कोई आपसे पूछेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो किस टेंस में बनता है, तो आपको कहना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वी वन या वी फाइव प्लस सब्जेक्ट होता है। और इसको तो मैं पिछले एक प्रथम वीडियो से पढ़ा रहा हूं, ये दसवां वीडियो है, इसलिए क्रमबद्ध वीडियो को आप जब देखेंगे तो कहीं भी आपको टफ नहीं लगेगा, ये हमारा गारंटी है। आप देखिए ध्यान से, कहीं नहीं लगेगा आपको टफ। आगे आइए, कह रहा है कि फॉर साइंटिफिक ट्रूथ है। अच्छा, साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब वैज्ञानिक सत्य, जो भी वैज्ञानिक सत्य होगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखता है कि फॉर साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ जो जो वैज्ञानिक सत्य होता है उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वी वन या वी फाइव, ये बात आप जानते हैं। कह रहा है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, उबलता है। अब बताइए पानी क्या है, पानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली क्या लगेगा, भी भाव लगेगा। पानी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर भाव लगेगा, तो ऑप्शन बॉइल्ड भी रहेगा, बॉइल्स रहेगा, तो बॉइल्स को आप चुन लीजिएगा। आप जानते हैं कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करता है, वो सिंगुलर वर्ब को लेता है। तो आइए ये हो गया वाटर बॉइल्स। अब कह रहा है कि थिंग्स फॉल डाउन द ग्राउंड, अब ध्यान दीजिए थिंग्स, थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तुएं होता है, वस्तुएं, तो थिंग्स हमारा प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो क्या लेगा, वी वन ले लेगा, तो हम लोग वी वन पर ले लेंगे। तो कह रहा है कि ये फॉल देखिए आपका वी वन है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जब प्लुरल होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल सब्जेक्ट होगा, तो हम लोग क्या ले लेंगे बाबू, वी वन ले लेंगे, तो प्लुरल सब्जेक्ट में वी वन ले लेना है। तो थिंग्स आपका क्या है, प्लुरल है, वस्तुएं प्लुरल है, तो आप फॉल ले लीजिए, फॉल आपका वी वन है। तो कह रहा है कि थिंग्स फॉल डाउन, वस्तुएं जो है गिरती है, वस्तुएं गिरती है द ग्राउंड, कहां गिरती है, जमीन पर गिरती है, भूमि पर गिरती है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी चीज जो वस्तुएं होती है वह कहां गिरती है, जमीन पर गिरती है। साइंस के आप लोग विद्यार्थी है, बढ़िया समझते होंगे। कह रहा है कि वस्तुएं जो है फॉल डाउन द ग्राउंड और भूमि पर गिरती है, ड्यू टू द अर्थ, ड्यू टू अर्थ पृथ्वी के, apostrophe इस मतलब होता है का के, कि पृथ्वी के, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण, आप जानते हैं ड्यू टू मतलब क्या होता है, कारण। तो ये सब हम आपको पढ़ाएंगे पहले पोजिशन में। तो कोई भी वस्तु में, जो भी वस्तु में होती है वह पृथ्वी पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि पर नीचे गिरती है। तो दो नियम आपने इसमें देखा, एक पहला नियम क्या देखा कि जो भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और दूसरा आपने क्या देखा, जो भी आपका साइंटिफिक ट्रूथ होगा तो साइंटिफिक ट्रूथ को कहां बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई आपसे पूछता है कि बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ को कहां बनाना है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि कोई आपसे पूछता है कि साइंटिफिक ट्रूथ को कहां बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दो रूल हो गए, तीसरा नियम पर काम करेंगे। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट, वीडियो को रोककर आप इसको लिखिए। आइए देखिए हम लोग, ये है आपका रूल नंबर थ्री या पॉइंट थ्री। आपको क्या करना है कि फॉर जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, जनरल ट्रूथ के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आप जानते हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वी वन लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वी फाइव लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि जनरल ट्रूथ, जो भी सामान्य सत्य होगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग जो होता है, सिगरेट जो लोग पीता है, स्मोकिंग जो करता है वह स्वास्थ्य के लिए खराब है, बैड है। तो कह रहा है स्मोकिंग इज बैड, है ना, धूम्रपान क्या है, खराब है फॉर द हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। तो कह रहा है कि स्मोकिंग क्या है, किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे तो वह नाउन बन जाएगा, वह
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन बन जाएगा, और वह सिंगुलर के अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। अर्थात क्या लगेगा उस पर इज रहेगा, तो ऑप्शन में सब लोग इज आर रहेगा तो इज चुन लेंगे, स्मोकिंग इज होगा आर नहीं होगा। करा है कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान, आप जानते हैं कि जापान में बार बार भूकंप का झटका वहां पर आते रहता है, ये आप बात जानते हैं। तो अर्थक्वेक्स यहां पर प्लुरल है, अर्थक्वेक्स प्लुरल है, अर्थात क्या होगा प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो वी1 होगा, तो आप वी1 ले लीजिए, ऑप्शन में कम और कम्स भी रहेगा। तो अर्थक्वेक्स कम इन जापान है ना, मतलब अर्थक्वेक जो है भूकंप जो है जापान में आते जाते रहता है, आते रहता है। टू एंड टू मैक्स फोर, दो दो चार होते हैं। आर्यभट्ट ने कहा है, मैथ के जो गणितज्ञ लोग जो हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम लोग दो डिजिट को एंड से जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में सिमिलर वर्ब को रखना ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर माना जाता है। अर्थात हम लोग यहाँ पर मेक्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन आप मेक का भी यूज गलत नहीं है, मेक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेक्स ज्यादा अच्छा होगा। तो टू एंड टू मेक्स कहिए या मेक कहिए, दोनों सही है, लेकिन अगर आप मिक्स बोलते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया है, सिंगुलर वाला ज्यादा बढ़िया माना गया है। और मैथ के विद्वान लोगों का भी यह कहना है कि जब दो डिजिट एंड से जुड़ जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना ज्यादा प्रचलन में है या बेहतर माना जाता है। तो दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं, तो आप यहाँ पर मिक्स भरेंगे तब भी सही हो जाएगा और मेक भरेंगे तब भी सही हो जाएगा, और दोनों में ज्यादा अच्छा कौन होगा तो मिक्स वाला ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए हमने डबल यहाँ पर टिक लगाया है। अब चीजों को देखें, ठीक है, तो धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, और भूकंप जो है जापान में आती है आता है, दो दो चार होते हैं, ये सब कैसी बातें हैं, ये मानव के लिए जनरल ट्रूथ है, इसको लोग जानता है, मानव के लिए ये सामान्य बात है, जनरल बात है। तो कोई पूछेगा कि जनरल ट्रूथ किस टेंस में बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रेजेंट इन डेफिनिट में बनता है। आगे आइए, कह रहा है कि हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदततन कार्य, आदततन कार्य कहां बनेगा, तो आदततन जो कार्य है वो प्रेजेंट इन डेफिनिट में बनेगा। अब आइए, हैबिचुअल एक्शन कहां बनेगा, तो प्रेजेंट इन डेफिनिट बनेगा, आदततन कार्य को प्रेजेंट इन डेफिनिट बनाना है। कह रहा है ही ऑफन स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब वह प्रायः सत्य बोलता है, करा है कि वह प्रायः सत्य बोलता है, अर्थात वह उसका क्या है प्रायः सत्य बोलता है, ये उसका आदत है कि वह झूठ नहीं बोलता है, वह प्रायः सत्य बोलता है। ऐसे भी वाक्य में ऑप्शन लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे आपको नियम में बताएंगे। आप जानते हैं कि ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पे क्या लगेगा V5 लगेगा, तो आपका V5 यहाँ पर लगा हुआ है, और ऑफेन का प्रयोग जो होता है वो मेन वर्ब के पहले होता है, इसीलिए ऑफेन का प्रयोग स्पीक्स के पहले हुआ है। आगे कहता है कि सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, तो वह कभी झूठ नहीं बोलती है, यह क्या है उस लड़की का, यह हैबिट है, आदत है, तो यहाँ पर भी आदत का बात है, आदतन कार्य है, जब आदतन कार्य होगा हैबिचुअल एक्शन होगा तो प्रेजेंट सिंपल। अब सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अर्थात यहाँ पर क्या लगेगा बाबू बताइए, टेल लगेगा कि टेल्स, तो टेल्स लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा तो टेल्स हो जाएगा। और ये नेवर क्या है, तो ये एडवर्ब है और ये मेन वर्ब के ठीक पहले आता है ना, तो यह नेवर का प्रयोग टेल्स के पहले हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाक्य में ऑफन, नेवर इत्यादि जब लगता है, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, है ना, ये सब जब ओकेजनली, ये सब जब लगता है तो प्रेजेंट इन डेफिनिट में हमारा टेंस होता है, वो हम अगला नियम में आपको बताएंगे कि जब वाक्य में जब रेगुलरली आएगा, है ना, नेचुरली आएगा, ओकेजनली आएगा, जनरली आएगा, तो किस टेंस ऑफन है, नेवर है, ये सबको हम लोग प्रेजेंट, एवरीडे है, डेली है, है ना, पर डे है, इन तमाम चीज को हम लोग प्रेजेंट इन डेफिनिट में बनाते हैं, उसका भी नियम है जो हम आपको शेयर करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि वह प्रायः सत्य बोलता है या उसका हैबिट है, और वह कभी झूठ नहीं बोलती है या उसका हैबिट है, और हैबिचुअल जो एक्शन होगा वो प्रेजेंट इन डेफिनिट में बनेगा, ही और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आगे कहता है कि यदि आपका वाक्य ऑफ से, ओ डबल एफ ऑफ से शुरू होगा, हेयर से शुरू होगा, देयर से शुरू होगा, आउट से शुरू होगा, इन से शुरू होगा, यदि आपका वाक्य ऑफ से शुरू हो, ओ डबल एफ ऑफ से शुरू हो, हेयर से शुरू हो, देयर से शुरू हो, आउट से शुरू हो, इन से शुरू हो, तो हम लोग उस वाक्य को प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट V1 या V5 से बनाएंगे,
पुनर संयुक्त होगा तब भी वन, असिंगुलर होगा तब भी फाइव, इस पर हम लोग बनाएंगे। तो आइए करा कि ऑफ, एयर, देयर, आउट, इन से शुरू वाक्यों के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, क्योंकि यही हम लोग पढ़ रहे हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वाक शुरू हुआ है ऑफ से, ओ डबल एफ ऑफ शुरू हुआ है, तो करा कि ऑफ गोज द प्लेन। अच्छा यहां पर देखिए प्लेन कै गो है, तो प्लेन ए गो है, अर्थात यहां पर कौन सा भाव लगेगा, तो भी फाइव लगेगा, प्लेन जो है यहाँ पर एगो है इसलिए क्या लगेगा, गो लगेगा, गोज, तो गोज लगेगा। कहता है कि हेयर कम्स आउट, यहाँ पर कह रहा है हेयर कम्स आवर प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, तो वाक यहाँ पर हेयर से स्टार्ट हुआ है, तो वाक हेयर से स्टार्ट हुआ है, तो आप बताइए कि हम लोगों की कै गो प्रेसिडेंट है, तो हम लोगों के एक प्रेसिडेंट है, तो डेफिनेटली जब एक प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, भी फाइव लगेगा, प्रेसिडेंट एगो है। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन जो लेकर आएगा उसको देखना है, कहा कि आवर मदर, तो हम लोग मान ले चार पांच भाई बहन है, तो माँ कै गो है, तो एगो माँ है, तो आवर मदर, मदर एगो है, तो मदर के अनुसार लगेगा, आवर फादर, फादर के अनुसार लगेगा, हम लोग बहुत है और टीचर एक है, तो आवर टीचर, तो टीचर के अनुसार लगेगा। प्रेसिडेंट हमारा सिंगुलर है, अर्थात क्या लगेगा, भी फाइव लगेगा। तो कह रहा है कि देयर गोज द ट्रेन, वहां ट्रेन जाती है, तो यहाँ पर देखिए कि वाक किससे स्टार्ट हुआ है, तो वाक आपका देयर से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वाक आपका हेयर से स्टार्ट हुआ है, वाक यहाँ पर आपका गोज से स्टार्ट हुआ है, तो वाक जब आपका देयर से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, गो लगेगा कि गोज लगेगा, क्योंकि ट्रेन का एगो है, एगो है, तो जब ट्रेन एगो है तो डेफिनेटली क्या लगेगा, वी फाइव लगेगा। तो आप देखिए क्या लगा हुआ है, बीटेक लगा हुआ है, तो यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर प्लेन कै गो है, प्लेन एगो है, तो गोज लगेगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट कै गो, एगो है, तो कम्स लगेगा, ट्रेन एगो है तो गोज लगेगा, मतलब भी फाइव लगेगा। तो आपका यही आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या समझे, इस नियम समझे कि आपका वाक ऑफ से स्टार्ट हो, हेयर से, देयर से, आउट से, इन से, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक को रखेंगे, वी वन वी फाइव हम लोग ऑप्शन से चुनेंगे, देखना है कि अगर सिंगुलर होगा तब वी फाइव, प्लुरल होगा तब वी वन, इस तरह से सब्जेक्ट को देखकर हम लोग ऑप्शन से क्या करेंगे, चुनेंगे। तो हम लोग कई नियम पढ़ लिए, ये चार पांच वो नियम हो गया है ना, तो आप हर नियम को ध्यान से बारीकी से पढ़िए। कोई आपसे पूछता है कि बताइए यूनिवर्सल तो किस टेंस में बनेगा, तो कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई आपसे पूछेगा कि साइंटिफिक ट्रूथ किस टेंस में बनेगा, तो आपको कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई आपसे पूछेगा कि जनरल ट्रूथ किस टेंस में बनेगा, तो कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई आपसे पूछेगा हैबिचुअली एक्शन किस टेंस में बनेगा, तो बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई पूछेगा वाक ऑफ से, हेयर से, देयर से, आउट से, इन से स्टार्ट होगा, तो वाक को किस टेंस में रखेंगे, तो आपको कहना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तमाम पॉइंट को, तमाम रूल को ध्यान से पढ़िए, आप इसको जल्दी उतारिये, फिर हम लोग अगला बोर्ड स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ फर्स्ट आइए तो हम लोग देखते हैं आप लोग का रूल नंबर छ, पॉइंट नंबर छ हम लोग देख रहे हैं। पॉइंट नंबर छ क्या कर रहा है, कर रहा है कि रेगुलर, यदि आपके जीवन में कोई भी रेगुलर एक्शन है, जो नियमित काम होता है, उसे रेगुलर एक्शन कहते हैं। फिर कह रहा है कि इरेगुलर एक्शन, जो आपके वाक में इरेगुलर, जो अनियमित काम है, और तीसरा है फिक्स टाइम टेबल, वह टाइम टेबल जो आपके जीवन में फिक्स है, जैसे फिक्स मतलब मान लेते हैं 6:30 एक टाइम है, और उस टाइम में राजधानी एक्सप्रेस जो है हाजीपुर से यूपी के लिए खुलती है, एक मान लेते हैं एक फिक्स टाइम टेबल है आपका कि हमारा जो ऑफिस है वह 9:00 से लेके 5:00 तक खुलता है, एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इनडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या करेंगे। एक टाइम टेबल है कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट 6:00 से लेकर 6:00 तक खुलती है, तो ये फिक्स टाइम टेबल है। तो जो भी फिक्स टाइम टेबल होता है हमारे जीवन में, या रेगुलर एक्शन होता है या इरेगुलर एक्शन होता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ऐसे वाक्य में प्रायः क्या लगा रहेगा, तो ऑफन लगा रहेगा, इसका हिंदी क्या होता है प्रायः, या क्या लगा रहेगा सेल्डम, इसका हिंदी होता है कभी कभार, या लगा रहेगा नेवर, इसका हिंदी होता है कभी नहीं, लगा रहेगा डेली, इसका हिंदी होगा प्रतिदिन, यूजुअली मतलब प्रायः, जनरली मतलब सामान्यतः। तो यदि वाक्य में एलवेज मतलब हमेशा, यदि वाक्य में ऑफेन, सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं,
है ना, तो ऑफेंस, सेल्डम, नेवर, डेली, यूजुअली, जनरली, एलवेज, ईटीसी, ये सब रेगुलर, इरेगुलर, फिक्स टाइम टेबल वाले एक्शन में आम तौर पर रहता है या लगा रहता है। तो आप जानते हैं कि रेगुलर, इरेगुलर और फिक्स टाइम टेबल वाले एक्शन में ये सब शब्दों का इस्तेमाल रहता है, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आइए क्वेश्चन करा है कि आई कम हेयर डेली टू गेट गाइडेंस, मैं यहाँ रोज जो है गाइडेंस लेने के लिए आता हूँ, दिशा निर्देशन लेने के लिए आता हूँ। तो करा है कि आई कम हेयर डेली टू गेट गाइडेंस, मैं यहाँ रोज दिशा निर्देशित लेने के लिए आता हूँ, गाइडेंस लेने के लिए आता हूँ। तो आप रोज आते हैं, तो ये काम क्या है, रेगुलर एक्शन है। आप ध्यान से देखिए वाक में क्या लगा हुआ है, डेली लगा हुआ है, तो वाक में डेली लगा हुआ है तो कहां बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट होगा, बी वन होगा, बी फाइव होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका आई क्या है, आई प्लुरल सब्जेक्ट में आएगा तो बी वन होगा, तो यहाँ पर देखिए बी वन का प्रयोग है, कम का प्रयोग है, बी वन का प्रयोग है, अर्थात आपका यह क्या है वाक, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देगा कम और कम्स, तो आप लोग कम चुन लीजिएगा, प्लुरल के साथ प्लुरल चुन लेना है। करा है कि टेररिस्ट ऑफन टारगेट द इनोसेंट, अच्छा जो आतंकवादी लोग होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं वो प्रायः निर्दोष लोगों पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, निर्दोष लोगों पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो आप ध्यान देखिए, टारगेट करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि आतंकवादी लोग क्या करता है, प्रायः इनोसेंट, निर्दोष लोगों पर क्या करता है, निर्दोष लोगों को टारगेट करता है। तो ये प्रायः ऐसा करता है, इसका मतलब ये रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन में आप देखिए क्या लगा हुआ है, ऑफेंस लगा हुआ है, ऑफेंस लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि इस तरह के एक्शन में ये सब वर्ड का प्रायः इस्तेमाल होता है। आप बताइए टेररिस्ट क्या है, एक से अधिक है, अर्थात ये प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, प्लुरल सब्जेक्ट क्या लगेगा, प्लुरल सब्जेक्ट में भी वन का प्रयोग होगा। तो बताइए टारगेट हुआ कि टारगेट्स होगा, टारगेट होगा, ये भी वन है, अर्थात आपका ये भी वाक्य है सही है। तो इस तरह के वाक्य में ऑफेन का प्रयोग, डेली का प्रयोग रहता है, और चूंकि प्लुरल है तो भी वन लगेगा, और ये प्लुरल है तो भी वन कम हमारा क्या है, भी वन है, और टारगेट हमारा क्या है, भी वन है, तो भी वन का प्रयोग होगा। आगे कहता है कि आवर ऑफिस फंक्शंस, हमारा जो ऑफिस है उसका जो काम होता है, ऑफिस का जो काम होता है फ्रॉम 9 to 5, सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक, लेकिन ऐसे एम पी एम नहीं है, आप सीधा कह सकते हैं कि हमारा जो ऑफिस है वह 9 से लेकर 5 बजे तक काम करती है, चलती है, खुलती है, आप जो भी कह सकते हैं। तो आवर ऑफिस, ऑफिस का वो है, तो ऑफिस एगो है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइम टेबल लगा हुआ है, तो ऑफिस एगो है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या लगेगा, वी फाइव लगेगा। तो बताइए फंक्शन होगा कि फंक्शंस होगा, बिल्कुल फंक्शंस होगा, क्योंकि ऑफिस एगो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लगा देना है, तो आपका फंक्शंस हो जाएगा। कहता है कि द इंटरसिटी एक्सप्रेस फॉर आगरा, आगरा के लिए एक जो ट्रेन है, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है आगरा के लिए, लिप्स वह खुलती है कै बजे, एट 6:25, मतलब 6:25 में वह छूटती है, खुलती है, निकलती है, फ्रॉम गांधीनगर जयपुर, जयपुर के गांधीनगर से वह खुलती है। आप बताइए कि जयपुर के गांधीनगर से खुलती है कितने बजे खुलती है, तो 6:25 ए मतलब सुबह, एंटी मेरिडियन है ना, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। तो आपका गांधीनगर जयपुर से 6:25 सुबह में ट्रेन खुलती है, कौन ट्रेन खुलती है, द इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन खुलती है, किसके लिए है, आगरा के लिए। तो आगरा के लिए जो इंटरसिटी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह जयपुर से, जयपुर में कहा, गांधीनगर जयपुर से 6:25 में खुलती है। आप ध्यान लगाइए कि यहाँ पर आपको बताइए क्या जो खुलती है, तो 6:25 सुबह में, तो यहाँ पर फिक्स टाइम टेबल है, तो फिक्स टाइम टेबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। एक बार जब फिक्स टाइम टेबल है तो डेफिनेटली कहां बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, वी वन या वी फाइव से बनेगा। तो आप देखिए द इंटरसिटी एक्सप्रेस फॉर आगरा, आगरा के लिए जो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है वो कै गो ट्रेन है, एगो ट्रेन है, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है आगरा के लिए कै गो है, एगो है। तो जब एगो ट्रेन है तो डेफिनेटली यहाँ पर वी फाइव का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी फाइव का इस्तेमाल होगा। तो आप बताइए लीव होगा कि लिप्स होगा, तो बिल्कुल होगा लिप्स है ना, तो डिफेप लगा दीजिए, अर्थात आपका ये भी वाक्य हो गया हुआ सही है। फिर से सुनेंगे, कराक द इंटरसिटी एक्सप्रेस आगरा के लिए जो है वह गांधीनगर जयपुर से 6:25 में निकलती है, खुलती है या रवाना होती है। इसमें एक बात बहुत ध्यान लगाना है, यदि वाक्य में ऑफेन, सेल्डम, नेवर, डेली, यूजुअली, जनरली, एलवेज, जब भी विद्यार्थी यह देखता है
तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टिक लगाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चुनता है, B1 या B5 चुनता है। लेकिन यहां पर एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि वाक्य में यदि एलवेज लगा हो और उससे चिढ़ाने की बात हो तो ध्यान रखिए, यहां पर एक नोट में बात लिखा हुआ है कि एलवेज के साथ, यहां पर एक बात को दिमाग में रखिए, एलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है यदि चिढ़ाने से संबंधित क्रिया हो। यदि वाक्य में चिढ़ाने से संबंधित क्रिया है, चिढ़ाने की बात है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना होगा, प्रयोग करना होगा। अब कहेंगे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम शुरू करेंगे। फिलहाल अभी आपको जानने के लिए एक बात दिमाग में रखिए, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर प्लस V4 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर से एक बार सुनिए, नोट कहता है कि एलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, मतलब वाक्य में एलवेज लगा रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आएगा, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कार्य जो है, आपका जो काम है, वो चिढ़ाने से संबंधित होना चाहिए। तो कहता है कि एलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है यदि चिढ़ाने से संबंधित क्रिया हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है जब काम चिढ़ाने से संबंधित हो, जब वाक्य में एलवेज हो, तो एलवेज देखते ही लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है बशर्ते आपका काम चिढ़ाने से संबंधित हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि इज एम आर प्लस V4 पर वह होवेगा। आइए देखिए, कह रहा है कि इज, यहाँ पर सी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, तो डेफिनेटली है इज लगेगा। और इज के बाद देखिए यहाँ पर V4 है, यहाँ पर ये V4 है, तो यहाँ पर इज है और यहाँ पर V4 है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस V4। ऐसा क्यों हुआ, तो वाक्य में ध्यान दीजिए एलवेज लगा हुआ है, एलवेज लगा हुआ है, और टिज, टिज का मतलब होता है चिढ़ाना, इसका जो हिंदी होता है वह हिंदी होता है चिढ़ाना, है ना। तो कह रहा है कि सी इज एलवेज टीजिंग, वह हमेशा चिढ़ाती रहती है मी, मुझे, वह हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है या चिढ़ाती है। तो अब देखिए सी एलवेज टीजिंग मी, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एलवेज वाक्य में लगा हुआ है और चिढ़ाने की बात है, चिढ़ाने का कार्य है, चिढ़ाने का चर्चा है, तो डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो आप बताइए ऑप्शन में जो आपको देगा वह V1 देगा, V5 देगा और इज प्लस V4 देगा, तो नॉन ऑफ दिस देगा, तो आप कहां टिक लगाइएगा, इज प्लस V4 में इज टीजिंग को आप ऑप्शन से चुनिएगा, क्योंकि एलवेज का प्रयोग जब चिढ़ाने के संदर्भ में हो तो आप टीज V1 नहीं चुनेंगे, टीजेज V5 नहीं चुनेंगे, इज टीजिंग V4 चुनेंगे, इज एम आर प्लस V4 चुनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए कि वाक्य में यदि एलवेज लगा हो और चिढ़ाने की बात हो तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक 6 पॉइंट हम लोगों ने देखा है ना। अब बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, है ना, साइंटिफिक ट्रूथ की बात हो, जनरल ट्रूथ की बात हो, उसके बाद वाक ऑफ से, हेयर से, देयर से, आउट से, इन से स्टार्ट हो, या वाक आपका रेगुलर एक्शन हो, इरेगुलर एक्शन हो, फिक्स टाइम टेबल वाला वाक हो, इन तमाम चीज को कहां बनाते हैं, इन तमाम चीज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग बनाते हैं। राइट डाउन फास्ट 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 लिखे, फिर अगला बोर्ड लेते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, इसमें कुल हम लोग को 11 पॉइंट पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम में। तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 में आ गए हैं, है ना। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि फॉर प्रोवर्स, जो भी प्रोवर्स है, जो भी कहावते हैं हम लोग के यहाँ, एंड क्वेट ना कोटेशंस मतलब उदाहरण भी कह सकते हैं, जो भी हम लोग के यहाँ कहावत है, उदाहरण है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोवर्स एंड कोटेशंस, कहावते एवं उदाहरण कथनों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहता है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो ग्रस्ते हैं बरसते नहीं, ये प्रोवर्स है, कहावत है, जो ग्रस्ते हैं वो बरसते नहीं। तो यहाँ पर बार्किंग डॉग्स, यहाँ पर बहुत सारा डॉग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, V1 होगा, तो V1 का इस्तेमाल है।
कहता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। आप इसको कोटेशन करिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये कोटेशन चलते आ रहा है सदियों से। तो ऑनेस्टी ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, एल्बेज टेक्स्ट, सिंगुलर भाव, तो वो क्या लेगा? सिंगुलर भाव लेगा। अर्थात ऑप्शन में से इज आर में से क्या चुनेंगे? ई चुन लेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपका प्रवर्स और कोटेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। खड़ा है कि मैन इज मॉडल, आदमी मरणशील होता है। आदमी मरणशील होता है मतलब कहीं का भी आदमी हो, चाहे यहाँ का हो, अमेरिका का हो, फ्रांस का हो, कहीं का आदमी हो, उसको एक दिन न एक दिन मर जाना है। ये आपका क्या है? कहावत भी है, कोटेशन कहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो मैन कै वो है? एक वो है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इज लगेगा। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। करा टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, तो समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती है। टाइम एंड टाइड कहता है समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करती है ना। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीज है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ क्या लगेंगे? भी वन लगेगा, वेट लगेगा। तो ये आपका बन गया। करा है सोल इज इमॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल, आत्मा क्या होता है? अमरणशील होता है। आत्मा जो होता है वो अमरणशील होता है, वो कभी मरता नहीं है, वो शरीर परिवर्तन कर लेता है। तो सोल मैं आत्मा जो होता है अमरणशील होता है। आत्मा क्या है? वह है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा? सिंगुलर भाव ले लेगा। तो ऑप्शन से क्या ले लीजिएगा? इज ले लीजिएगा। अर्थात ये भी कहां बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। एक बात याद रखिएगा, एक ऐसा हम लोग के यहाँ प्रोवर्स है जो पास्ट में बनता है, वो पास्ट में बनता है। एक है किसी शहर का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, मतलब रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। तो ये एक ऐसा कोटेशन है कि रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था, अर्थात कोई एक शहर का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। ये एक ऐसा कोटेशन है जो कहां बनता है? पास्ट में बनता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में नहीं बनता है, पास्ट में बनता है। इस कोटेशन, इस प्रोवर्स को आप जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि एक ही ऐसा प्रोवर्स है जो पास्ट में बनता है, जो बोर्ड पर लिख दिया गया है नोट में, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। तो यह कहां बना है? पास्ट में बना है। तो पास्ट में बना है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आज जो है हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज में 7 रूल देख चुके हैं, 7 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। इसमें कुल अभी 4 पॉइंट और है, 11 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। तो आगे जो बच जा रहा है 4 पॉइंट, वो अगले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इसको, वीडियो को रोककर आप पूरी अच्छी तरह से इसको लिख लेंगे, वीडियो को 1-2 दफा देखेंगे, फिर लिखेंगे। जो न्यू व्यूअर है, जो नए स्टूडेंट है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि तमाम वीडियो उनके पास पहुंच जाएगा, तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।